इंदौर पुलिस द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप ने लगभग 2900 लोगों को खुश होने का मौका दिया है। बुधवार को एसपी सूरज वर्मा ने शिकायतकर्ताओं को उनके गुम हुए मोबाइल पुलिस कंट्रोल सभागार में वितरित किए। साल 2019 में सिटीजन कॉप में गुम हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच व साइबर टीम ने सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए थे। ये फोन इंदौर व विभिन्न शहरों में चल रहे थे, इनमें महंगे मोबाइल भी शामिल है। साइबर पुलिस को पिछले एक साल में मोबाइल फोन की 11,528 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें 2,882 मोबाइल फोन का पता लगाकर आवेदकों को विभिन्न थानों के माध्यम से सुपुर्द किए गए हैं। आज हम लोग लगभग 150 मोबाइल, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख होती है, जिसमें अलग अलग विभिन्न मॉडल्स के स्मार्टफोन्स हैं, उसको हम लोग जो इनके ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको रिटर्न कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले साल भी 2019 में हम लोगों ने कुल लगभग 3000 मोबाइल विभिन्न समयों पर अलग अलग माध्यम से उसको रिटर्न किया था, कुछ थानों के माध्यम से, कुछ डायरेक्टली यहाँ कंट्रोल रूम में बुलाकर। तो ये जो सिटीजन कॉप ऐप है, जैसा कि कई सालों से ये चलता आ रहा है, और इसमें ये सुविधा है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गुम होता है, कोई मोबाइल गुम होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ गुम होती है, तो उसकी रिपोर्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं थाने आए बिना, और वो ऑटोमेटिक हमारे वो सिस्टम में चला जाता है और उस सिस्टम में हम लोग उसको सर्चिंग करवाते हैं, और अगर उसकी जानकारी मिलती है कि वो कहीं चालू है तो उसको हम लोग रिकवर करा के उनके ओरिजिनल ओनर्स को रिटर्न करते हैं।